प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कल गुजरात चले जाएंगे। जी हां, गुजरात जाएंगे कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां वो अपनी माताजी से आशीर्वाद लेंगे। जीतने के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात होगी अपनी माताजी के साथ, और उसके बाद प्रधानमंत्री बनारस जाएंगे, जहां वो अपने संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को, यानी कि अपने वोटरों को जिन्होंने उनको चुना है, उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, उनको एक बार फिर से बनारस से चुनने के लिए, उनको जिताने के लिए। आलोक मेहता, जल्दी से आपका कमेंट राहुल गांधी के इस्तीफे की अटकलों पर। उसके पहले हिमांशु आ गए हमारे साथ और जानकारी लेकर, क्या क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का हिमांशु, बता दीजिए जल्दी से। देखिए रोहित, आज शाम को पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है एनडीए की, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह जो है गांधीनगर जाएंगे और वहां जाकर अपनी माँ हीराबेन का आशीर्वाद लेंगे प्रचंड बहुमत की जीत के बाद, और उसके बाद वो जो है अगले दिन जो है वाराणसी जाएंगे, काशी के अंदर, काशी में उन्होंने नॉमिनेशन के बाद एक दिन भी जो है चुनाव प्रचार नहीं किया था, लेकिन जिस तरीके की प्रचंड उनको जीत वहां से मिली है, पिछली बार से ज्यादा मतों से वो जीते हैं, तो कहीं वहां जाकर काशी की जनता का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने उनको जिताया और बिना चुनाव प्रचार करे जिताया। उन्होंने अपने नामांकन के दिन कहा था कि अब वो काशी आए हैं और अब जीत के बाद ही आएंगे, तो जीतने के बाद काशी पहली बार जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। वहां पे ये माना जा रहा है कि रोड शो करेंगे और उसके बाद जो है सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे वहां से, और उसके बाद काल भैरव मंदिर होके आएंगे और फिर गंगा आरती के अंदर भाग लेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम रहने वाला है शपथ ग्रहण समारोह से पहले।